हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल अगेन। और आज की जो वीडियो है उसमें अपन लोग बात करने वाले हैं जो रेयर विंडस्क्रीन है उसके लिए ये जो कॉटन लगा हुआ है इसके बारे में। एक अर्लियर वीडियो में मेरे चैनल पे आपने देखा होगा जिसमें बात की थी कि ये फ्रंट के जो स्लिप ऑन वाले जो कर्टन्स आते हैं जिसमें जेड ब्लैक आता है, जैसा आप यहाँ देख सकते हो, नॉर्मल वाला भी आता है, उसके बारे में देखा था। काफ़ी अच्छी वीडियो वो चली थी। उसके बाद अभी जो आज मैं बात करूँगा वो है रेयर वाले विंडस्क्रीन के लिए। अब जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें भी सिंपल जैसे ये स्लिप होती थी इधर, इसमें अपन यहाँ दोनों साइड इसको सिंपल टक करके यूज़ करते थे, उसी तरीके से उसी कॉन्सेप्ट पे ये वाली भी बनाई गई है। तो मैं बताता हूँ आपको ये कैसे वर्क करती है। मैं पहले आपको ये हटा कर दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सिंपली जी जो यहाँ पे कट बना रहता है डिक्की में, जो हर साइड पे जो एक एक थोड़ी सी जगह बनी होती है बस उसी पे ये पूरा अटैच्ड है। अगर मैं यहाँ से इसको हटाने की कोशिश करूँगा, ये इधर साइड से देखता हूँ मैं, अगर इसको हटाने की आपको करना है तो सिंपली आप इसको ऐसे यहाँ से इसको ऐसे हटा सकते हैं। ये देखिए तो ये इस टाइप से हट के आ जाती है। अब ये हर कार की अपनी पर्टिकुलरली फिक्स्ड आती है। ये देखिए आप, ये इस i20 के लिए बनी हुई है, इनोवा के लिए अलग होगी, डिज़ायर के लिए अलग होगी। तो ये हर कार के जहाँ पे जो भी जिस तरीके से बना होता है, कटआउट्स वगैरह होते हैं, उस हिसाब से बन के आती है। ये मैग्नेटिक नहीं होती, बस ये जो आप देख सकते हैं ना गैप है, आप मैं फोकस करता हूँ, हाँ ये देखो, ये स्क्रीन और इसके ये मेटल का जो इसमें बीच में गैप है ना, ये इसके बीच में फिक्स हो जाती है अच्छे से और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि लोग पूछते हैं कि यहाँ पे या तो दो ऑप्शंस होती हैं आपके पास, या तो आप वो रोल ऑन वाला लगा लीजिए जो यहाँ पे ऐसे टाइट होके यहाँ छत पे यहाँ टाइट हो जाता है, मतलब वो ऐसे रोल एक आता है उसको आप खींच के आप लगा सकते हैं, या दूसरी चीज़ बोलते हैं कि आप उसको टिंट भी करा सकते हैं। तो जैसे जो टिंट की प्रॉब्लम होती हुई है कि यहाँ पे जैसे डीफॉगर है, तो डीफॉगर टिंट लगाने के बाद बिल्कुल वर्क नहीं करेगा आपका अच्छे से, तो वो एक ऑप्शन आप यूज़ नहीं कर सकते। तो बची जो ऑप्शन है वो यही है कि अगर आपको एकदम डार्क लुक भी चाहिए और साथ के साथ आप टिंट भी नहीं करा सकते, डीफॉगर भी यूज़ करना है, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है यूज़ करने के लिए। उसको सिंपल लगाने के लिए इसको वापस दोनों साइड से ऐसे इसमें टक कर दीजिए तो ये बढ़िया तरीके से लग जाएगा। अब एक चीज़ ये है कि ये हो सकता है आपकी स्टेट में या आपकी सिटी में लीगल हो या ना हो, पर यहाँ पे भी कभी कभार पकड़ते हैं कभी नहीं पकड़ते, पर आगे वालों के लिए तो पकड़ना आजकल बहुत ज़्यादा चालू कर दिया, पर पीछे वालों के लिए कभी पकड़ते हैं कभी नहीं पकड़ते, तो ये आपके ऊपर है अगर आप इसको यूज़ करना चाहें या नहीं। तो ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। और इसकी प्राइस जो अगर प्राइस के बारे में बात करूँ तो प्राइस 400 से 500 रुपये में हर गाड़ी के लिए मिल जाएगा, अवेलेबल होगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और मैं आपसे मिलूंगा ऐसे ही किसी और एक वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।